हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसे ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। वेलकम टू माय चैनल अमर सार एकेडमी, दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। ओके, तो आज अपन एसे ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है H2O2 से अपन उसको डिनोट करते हैं। ओके, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एसे जो अपन को परफॉर्म करना है, पहले तो अपन को जानना होगा कि ये जो टाइट्रेशन अपन परफॉर्म करने वाले हैं वो किस टाइट्रेशन में आती है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में है, ग्रेविमेट एसिड बेस टाइट्रेशन में, किस टाइट्रेशन में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एनालिसिस अपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। ओके, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन क्यों? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली अपन जो एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करते आ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कोई भी ड्रग जो है उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसकी टाइट्रेशन और एनालिसिस अपन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर कोई NaCl का अपन को एनालिसिस परफॉर्म करना है तो अपन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की हेल्प से करेंगे, क्योंकि अपन को पता है NaCl जो है प्रेसिपिटेट आउट होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना रहा है कंपाउंड, कोई भी एनालाइट जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना रहा है, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की हेल्प से करेंगे। बट यहाँ पे जो बात आ रही है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड इज ए रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडाइज जो एजेंट है, KMnO4 की हेल्प से अपन इसका ऐसे जो है परफॉर्म करेंगे। इसका कैटेगरी किसमें आएगा? रेडॉक्स टाइट्रेशन में। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर एम? एम इज टू परफॉर्म द ऐसे ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ऐसे? ऐसे मींस परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है उसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी आती है। परसेंटेज प्योरिटी से ये मतलब है, जैसे कि मेरे पास कोई 1 ग्राम सैंपल है, इस 1 ग्राम में एक्चुअली कितना हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट है। हालांकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो सॉल्यूशन में मिलता है अपन को, तो फर्स्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, नेक्स्ट इसको सही से कर लेते हैं अपन। आई थिंक मेरे पास जो है 1 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड अवेलेबल है। ये 1 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है कितने परसेंट प्योर है, उस प्योरिटी चेक करने के लिए मैं कौन सा मेथड परफॉर्म करता हूँ? ऐसे मेथड। ठीक है, तो ऐसे का इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया? परसेंटेज प्योरिटी जो सब्सटेंस की है वो अपन को पता होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, इन लेबोरेटरी किसी भी कंटेनर पे अपन देखते हैं लेबल क्लेम लगा हुआ होता है। ठीक है, लेबल क्लेम में आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ होता है वहाँ पे? पर ऐसे ऑफ दिस ड्रग इज 99 to 98%। ओके, क्या लिखा होता है? ऐसे ऑफ ड्रग परसेंटेज 99 to 98%। ओके, तो उस हिसाब से अपन उस ड्रग का एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट केमिकल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4, हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम 20। इट मींस व्हाट? कि ऐसे का जब अपन परफॉर्मेंस करते हैं, कैसे का प्रोसीजर अपन परफॉर्म करते हैं, जब अपन को पता है कि 2 स्टेप अपन फॉलो करते हैं। कौन से स्टेप फॉलो करते हैं? 2 स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू स्टैंडर्डाइज द सब्सटेंस विच हेल्प टू ऐसे ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे परफॉर्म करने के लिए हम जिस सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का ऐसे करने के लिए मैं पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ? पोटेशियम परमैंगनेट इज ए ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे एक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन अपन परफॉर्म करेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन में। रेडॉक्स टाइट्रेशन में किसकी हेल्प से मैं कर रहा हूँ? पोटेशियम परमैंगनेट की हेल्प से। अब यहाँ पे ऐसे में देखिए 2 प्रोसीजर होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जो है, पोटेशियम परमैंगनेट की हेल्प से मैं ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तो सबसे पहले मेरे को पोटेशियम परमैंगनेट का स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन से मतलब क्या है? जो पोटेशियम परमैंगनेट की मैंने नॉर्मलिटी सॉल्यूशन बनाया है, उस सॉल्यूशन को मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा प्रैक्टिकली कि उतने ही नॉर्मल का वो सॉल्यूशन बना है जितना कि मैं बनाना चाहता हूँ, या जितने भी नॉर्मल का वो बना है तो उस नॉर्मलिटी से मैं इसका ऐसे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उसकी नॉर्मलिटी के लिए वो ऐसे में मैं फॉर्मूले में पुट करूँगा। इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट उसकी जो है नॉर्मलिटी कितनी आएगी। समझ में आ गई बात? तो यह रही अपनी केमिकल रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे आपके प्रैक्टिकल लैब में लिखना पड़ता है, प्रैक्टिकल लैब में आप फाइल में लिखते हैं, जर्नल में,
रिकॉर्ड में उसी हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, ये बुक है पीवी पब्लिकेशन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बुक, उसमें से कंटेंट जो मैंने लिया है उसी को अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट की बात करें तो एनालिटिकल बैलेंस तो चाहिएगा जिसपे कि अपन जो है सैंपल को वे करेंगे। नेक्स्ट अब बात आती है प्रिंसिपल की और आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए प्रिंसिपल क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे एक्ट करता है वो, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, द एसे ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज बेस अपॉन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन टाइट्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसका नेचर कैसा, क्या कैसे एक्ट करता है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसका अपन जो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। ओके, ऑन द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर एंड ऑक्सीजन एंड नोन स्ट्रेंथ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज टाइटेड विद द हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एसिडिफाइड विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड पॉइंट कैन बी डिटेक्ट विल अपेयर परमानेंट पिंक कलर। पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन टाइट्रेशन। ओके, तो यहाँ यही बताया गया है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के होने के कारण अब हम इसका एनालिसिस जो है टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। अब रिएक्शन में होता क्या है, देखिए ऑन द टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका अपन किसकी हेल्प से कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की हेल्प से। तो पोटेशियम परमैंगनेट विद हाइड्रोजन परऑक्साइड इन एसिड कंडीशन जो अपन को जो है क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा ये पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड ऑक्सीजन। ओके, तो रिएक्शन में मेन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में जो है ये रिएक्शन जो है परफॉर्म हो रही है। इसी की हेल्प से अपन ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं H2O2 का। ओके, नेक्स्ट अब बात आती है प्रोसीजर की। देखिए प्रोसीजर में क्या रहेगा, मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को जो है ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, प्रोसीजर किस हिसाब से फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप मैं बताना चाहूँगा आपको। पहले अपन को क्या करना है, प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज द केमेनोफोर। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले अपन को केमेनोफोर बनाना है। केमेनोफोर जो है कितना बनाना है, 0.1 नॉर्मल का केमेनोफोर बनाना है। वो केमेनोफोर कैसे बनाना है 0.1 नॉर्मल का, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है हाउ टू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल केमेनोफोर, वहाँ पे जाके आप मोर डिटेल में जा सकते हैं। ठीक है, वैसे ब्रीफली मैं बता दूंगा आपको कि 31.6 ग्राम केमेनोफोर इन 1000 ml ऑफ वाटर फॉर प्रिपेयर 1 नॉर्मल केमेनोफोर। अब अपन को बनाना है 0.1 नॉर्मल, तो क्या करेंगे, 3.16 ग्राम इन 1000 ml ऑफ वाटर। समझ में आ गई बात, सर 3.16 ग्राम ऑफ केमेनोफोर वेट करना है, कॉनिकल फ्लास्क 1000 ml में डालना है, ये मेरा 0.1 नॉर्मल केमेनोफोर प्रिपेयर हो गया। अब केमेनोफोर को मैं प्योरेट में डाल दूंगा और इसका स्टैंडर्डाइजेशन करूंगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्यों सर, दे आर अवेलेबल इन 100% प्योर फॉर्म, उनकी नॉर्मलिटी मुझे पता है। ये अब आप बोलोगे सर, क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसकी नॉर्मलिटी तो हमको पता है, 0.1 नॉर्मल हमने बनाया है, बट ये 0.1 नॉर्मल जो बनाया है आपने कि 3.1 देके 3.16 ग्राम लेके 1000 ml में डाल के ये आपने जो बनाया है, इट्स ए थ्योरेटिकल। एक्चुअली इसकी नॉर्मलिटी कितनी आई, मतलब आपने तो बनाया है 0.1 नॉर्मल, बट इसकी एक्चुअली जो अपन चेक करने जाएंगे तो 0.99 भी तो हो सकती है ना, 0.09 भी हो सकती है। तो कितनी एक्चुअली प्रॉपर नॉर्मलिटी इसकी बनी है, तो उसको प्रूफ करने के लिए अपन को पहले इसको स्टैंडर्डाइज करने का पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। ओके, विद द हेल्प ऑफ अपन ऑक्जेलिक एसिड की हेल्प से अपन को उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केमेनोफोर। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रिपेयर कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, अब क्या करेंगे, जैसे ब्यूरेट में अपन ने क्या कर दिया, केमेनोफोर को फिल कर दिया। अब इस क्रेमर, अब नीचे अपन कॉनिकल फ्लास्क में दूसरा सब्सटेंस लेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। वो कैसे लेंगे, देखिए प्रोसीजर फॉलो करते हैं इसका। प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है,
अभी अभी बता देते हैं आपको। यस यस, यहाँ से तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या परफॉर्म करना है, हमको प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 0.1 नॉर्मल केएमएन ऑफ ऑर को, और उसको स्टैंडर्डाइज करना है। और अपन को एक और सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड 5 नॉर्मल का, जिसके की प्रेजेंस में अपन ये टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। अब टाइट्रेशन में क्लीन ग्लास, देखिए सबसे पहले आपको जो भी आप ग्लासवेयर यूज करते हैं लेबोरेटरी में, उसको पहले रिंस करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है माइट भी पॉसिबल किसी और ने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया होगा, तो रिंस करके नहीं रखा तो आपको रिंस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट रिंस रिंस करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रोसीजर पे। देखिए, टेक 10 ml ऑफ H2O2 एंड डायलूटेड विथ 250 ml विथ वाटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। देखिए, ये हमारा हो गया है ब्यूरेट, ये है हमारा कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले ब्यूरेट में KMnO4 भरा, KMnO, ओके। नेक्स्ट, अब अपन को यहाँ पे मैंने इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया, ओके। नेक्स्ट स्टेप है मेरा, दो स्टेप होते हैं ऐसे में। फर्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 एंड सेकेंड स्टेप इज ऐसे परफॉर्मेंस ऑफ H2O2। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml जो है मैंने क्या लिया है, H2O2 सॉल्यूशन लिया है, 10 ml H2O2 सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट विथ 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 10 ml लिया है, उसको डाइल्यूट किया है 250 ml ऑफ वाटर में। उसके बाद 25 ml जो है यहाँ से डाइल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में डाला है। ठीक है, तो ये मैं वापस से यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए, 10 ml मैंने H2O2 लिया है, और 10 ml H2O2 को मैंने 250 ml ऑफ वाटर में डाल दिया है। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बना है इसमें से मैंने कितना लिया है, 25 ml, कितना लिया है, 25 ml, ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक 25 ml एंड डाइल्यूट इन ए कॉनिकल फ्लास्क एंड ऐड 5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अभी इसमें क्या लिया है, सबसे पहले 25 ml ऑफ ये सॉल्यूशन लिया है जो H2O2 का मैंने बनाया है, प्लस इसमें 5 ml मैंने H2SO4 लेना है, 5 नॉर्मल का एंड 5 नॉर्मल का, यस 5 नॉर्मल का। देन फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखिए, द फिल ब्यूरेट विद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4, फिल कर दिया हमने ब्यूरेट को। नेक्स्ट स्टेप है अपना, स्टार्ट टाइट्रेशन विद KMnO4 अनटिल द एंड पॉइंट रीच। अब हमको क्या करना है, टाइट्रेशन धीरे धीरे जो है स्टार्ट करनी है, और जैसे ही अपन टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 जो है एक एक एंड पॉइंट पे जब ये पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे अपन को पिंक कलर शो होगा। अब बात रहती है सर इंडिकेटर, नहीं इसमें कोई इंडिकेटर अपन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि KMnO4 जो है इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर, इट इज एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर। तो इसी हिसाब से अपन को एंड पॉइंट मिल जाएगा, और जैसे ही एंड पॉइंट आ जाता है अपन को 3 रीडिंग लेनी है इसकी, और 3 रीडिंग का अपन को क्या निकालना है, हमको एवरेज निकाल के आगे बढ़ना है। देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पिंक कलर प्रोसेस्ड मोर देन 30 सेकेंड सिग्नल इज एक्चुअल एंड पॉइंट। इट मीन्स वॉट, कि अगर पिंक कलर आ जाता है एंड पॉइंट पे और वो 30 सेकेंड से भी ज़्यादातर आपको अपेयर हुआ हुआ दिखता है, इसका मतलब आपका एंड पॉइंट जो है वो आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट टाइट्रेशन गिव्स रफ आइडिया एंड, तो इस हिसाब से हम देखें तो एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3 रीडिंग निकालते हैं, रिपीट टाइट्रेशन विद 3 टाइम्स एंड टेक मीन देन द कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड। तो हाइड्रोजन परोक्साइड की जो है कैलकुलेशन करनी है अपन को, वो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ पे, फिर अपना ना नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है ऑब्जर्वेशन टेबल का। ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या लिखना है, कॉनिकल फ्लास्क की रीडिंग, कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या लिया, 25 ml H2O2 डाइल्यूशन करके लिया, नेक्स्ट 5 ml H2SO4 डाला, फिर नेक्स्ट इनिशियल रीडिंग कितनी आई। तो आप चाहे तो ब्यूरेट को बार बार भर के 0 से भी इनिशियल रीडिंग ले सकते हैं, और अदरवाइज जो भी रीडिंग जो आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइनल रीडिंग में देखिए, जो 3 रीडिंग आएगी, लाइक सपोज अपन देखते हैं 20, 22, 21, जो भी रीडिंग आती है इनका आपको एवरेज लेना, और एवरेज लेने के बाद आपको जो है ये एवरेज जो है ये ब्यूरेट रीडिंग, इसका आपको नॉर्मलिटी सॉरी ये ऐसे जो है इसकी ब्यूरेट की रीडिंग आपकी आ गई है। अब फर्दर अपन शिफ्ट होते हैं कैलकुलेशन की ओर, कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करनी है चलिए देखते हैं। देखिए कैलकुलेशन में क्या रहेगा, देखिए गाम
डिवाइडेड बाय 100 ml ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड बराबर इक्वल टू V इंटू ई इंटू एन इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। अब वहाँ V क्या है, देखिए वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज इन ml, तो KMnO4 कितना गया, आपकी जो ब्यूरेट की रीडिंग है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। देखिए V का मतलब क्या है, एक एक को मैं बता देता हूँ आपको। V का मतलब है आपका वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज इन ml, कितना ml आपका यहाँ पे ये जो रीडिंग आएगी वो आपको यहाँ लिखनी है। देखिए E का मतलब क्या है, इक्विवेलेंस फैक्टर जो है, इक्विवेलेंस फैक्टर कितना है ये रहा, देखिए 0.0001701। ओके इक्विवेलेंस फैक्टर इसका मतलब ये है, ईच 1 ml ऑफ KMnO4 इज इक्विवेलेंट टू 0.0001701 ग्राम ऑफ H2O2। तो ये इक्विवेलेंस फैक्टर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। N क्या लिखना है, नॉर्मलिटी ऑफ KMnO4। देखिए जो नॉर्मलिटी अपन को जो स्टैंडर्डाइजेशन करके अपन ने KMnO4 नॉर्मलिटी निकाली, वो नॉर्मलिटी यहाँ पे लिखनी है इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको परसेंटेज प्योरिटी जो है मिल जाएगी, किसकी, H2O2 की, H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड की परसेंटेज प्योरिटी। अब अपन बात करते हैं, देखिए नोट लिखा हुआ है यहाँ पे इक्विवेलेंट फैक्टर के बारे में। इक्विवेलेंट फैक्टर को मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। देखिए इक्विवेलेंट फैक्टर का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे KMnO4 था मेरा और ये मेरे कॉनिकल में हाइड्रोजन परोक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए ईच 1 ml ऑफ KMnO4, मतलब अगर 1 ml ऑफ KMnO4, देखिए यहाँ 1 ml ऑफ KMnO4 इज इक्वलेंट टू 0.0001701 ग्राम ऑफ H2O2, तो ये जो रीडिंग कितनी आई मेरी, जैसे कि 15 आई, तो 15 ml जो है कितने के बराबर होगा, उस हिसाब से भी अपन सिंपल कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इजी है मेथड बिल्कुल। और नेक्स्ट जो है लास्ट में आपको रिजल्ट मेंशन करना है, जो आपका रिजल्ट आता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। द रिजल्ट गिवन सैंपल हाइड्रोजन परोक्साइड सॉल्यूशन कंटेन कितना ग्राम है, वो रिजल्ट जितना आता है आपका वो लिखने के बाद डिवाइडेड बाय 100 हाइड्रोजन परोक्साइड। ओके इसी के साथ आपका हाइड्रोजन परोक्साइड का जो एक्सपेरिमेंट समझा दिया मैंने, वीडियो में पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ओके इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी हो आपकी, कन्फ्यूजन हो, पूछना हो, तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसके पूरी कोशिश करूँगा एक्सप्लेनेशन देने की। और मैं स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, फॉर बी फार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, फॉर फार्मेसी स्टूडेंट, फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट एंड जो एनालिटिकल केमिस्ट्री परफॉर्म कर रहे हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने सेपरेटली हर एक सॉल्यूशन या हर एक कंपाउंड पे अपन ने डिस्कस कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, एसे ऑफ एस्पिरिन, एसे ऑफ आइबुप्रोफेन। ओके सारे के सारे टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके, आप प्लेलिस्ट में जाके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट तो चलिए कंप्लीट करते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।